नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन जो लोग अपनी मेहनत, अपनी लगन के साथ अपनी रुचि वाले फील्ड में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, सफलता उनकी कदम चूमती है। तो दिल्ली में पली बड़ी अशिक्षा ग्रहण की दिल्ली गर्ल पूजा नौटियाल ने आज ये साबित किया है कि हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं है। पूजा नेटियाल आज उभरता हुआ सितारा है और युवा दिलों की धड़कन है। पूजा नौटियाल की तेरे बिन गीत आज काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं, जिसे पूजा ने खुद गाया है और खुद लिखा है। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं पूजा नौटियाल को, आज जानते हैं कि उन्होंने कैसे इस सफलता को हासिल किया और उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है और मैंने पढ़ाई भी दिल्ली से ही की है। मेरी सिंगिंग की स्टार्टिंग 5th क्लास से हो गई थी, जब मुझे एक फेस्ट में गाने को बोला गया था। तो मुझे याद है वो 15 अगस्त था और मैंने गाना गाया था, मेरे बहन के लोग। तो उसके बाद मैंने सिंगिंग को अपनी ज़िंदगी से ऐसा जोड़ा कि मैं उसे आगे तक ले जाना चाहती थी। और उसके बाद मैंने 11th क्लास में सिंगिंग की क्लासेस लेना शुरू किया, क्योंकि मैं अपनी सिंगिंग को काफ़ी और बेटर करना चाहती थी। तो मैंने सिंगिंग की क्लासेस ली। तो कुछ टाइम बाद मुझे सिंगिंग की क्लासेस छोड़नी पड़ी किसी प्रॉब्लम की वजह से, घर की प्रॉब्लम की वजह से। तो जब मैंने सिंगिंग की क्लासेस छोड़ी तो मैंने अपना सिंगर बनने का सपना भी छोड़ दिया था उसी टाइम। तो जैसे जैसे समय बदला, मैं कॉलेज में आई, मैंने ग्रेजुएशन दौलतराम कॉलेज से की है। तो मुझे याद है कि दौलतराम कॉलेज में मेरी फ्रेंड थी प्रीति, तो उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, हर चीज़ में उसने मुझे सपोर्ट किया। तो उसने मुझे कहा, क्योंकि मैं उस टाइम काफ़ी गुमसुम रहती थी और सब मुझे नोटिस करते थे, मैम भी, टीचर, फ्रेंड भी और घर वाले भी, कि तू इतना साथ क्यों रहती है, क्या प्रॉब्लम थी। तो मैं उन्हें कुछ बताती नहीं थी, मैं अपने में फिर मगन रहती थी, किसी से ज़्यादा बात करना नहीं था। तो प्रीति ने मुझसे पूछा कि क्या बात है तुझे, तू मतलब इतना क्यों रहती है, सैड रहती है कि मतलब। फिर मैंने उसको बताया कि यार मुझे मेरा सपना था वो टूट गया है, मैंने अपने हाथों से उसे तोड़ा है। तो उसके बाद उसने मुझे एक सपोर्ट दिया कि नहीं तुझे तुझे करना है, तू जा, तुझे जो करना है, जो दिल करता है वो कर। तो उस टाइम प्रीति मेरे लिए एक भगवान बन के आई, जिसने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। तो उसके बाद मैंने सिंगिंग को कंटिन्यू रखा। मैं फिर उसके बाद ये सॉन्ग मैंने स्टार्ट किया। आज जिस क्षेत्र में मैं हूँ, मैं सबसे पहले तो अपनी मम्मी का शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बिना मैं बाहर नहीं जा सकती थी, ये पॉसिबल नहीं था। सेकंड मैं अपने मामा का करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे सोनोटेक में कंपनी में बुलाया और कहा कि मुझे तो ये गाना कर सकती है। तो मैंने पहले उनको अपनी वॉइस सुनाई, तो उन्होंने बोला कि हाँ तू चल एक सॉन्ग कर ले। तो मेरे मामा का भी सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है उसमें, और मैं एक ख़ास इंसान का भी सपोर्ट है जिसने मुझे पुश किया कि पूजा कर तू कर, उसके बिना भी सपोर्ट थोड़ी अधूरी रहती। यहाँ तक आने में मुझे काफ़ी बहुत प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी यहाँ तक। यहाँ तक मैंने किसी ने मुझे सिंगिंग के लिए भी रोका, कहा कि सिंगिंग तो क्या है, फ्यूचर कुछ नहीं है तुम्हारा, छोड़ दो इसको, इसमें क्या है, दिन भर ही लगी रहती है उसमें। उस टाइम मुझे काफ़ी मतलब लोगों ने ये भी बोला, हंसे भी कुछ लोग, पर कहते हैं ना कि किसी चीज़ को करने की शिद्दत से, लगन से लगे रहो तो वो कायनात को तुम्हें मिलाने में लग जाती है। तो यही मेरी लगन थी, मेरा सपोर्ट था मेरे जितने फ्रेंड्स का और मेरी मम्मी का। तो मैंने उस प्रॉब्लम्स को लड़ते हुए मैं आगे बढ़ी। और सबसे अच्छा तो मन की सुनी कि पूजा तुझे करना है तो करना है, क्योंकि लोग गिराते हुए आते हैं, संभालने कोई नहीं आता, और जब कुछ बन जाते हैं वही लोग तुम्हारे पीछे होते हैं। तो इसलिए मैंने अपने जज्बे को, अपनी लगन को हिम्मत से आगे बढ़ाया। मैंने
मान का मेरा ये प्रोजेक्ट है कि मैं माँ के ऊपर और गर्ल्स के ऊपर सॉन्ग निकालना चाहती हूँ। माँ के ऊपर तो इसलिए निकालना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत से हमें पाला पोसा है और सपोर्ट किया है, और गर्ल्स के ऊपर मैं इसलिए निकालना चाहती हूँ क्योंकि आजकल की सोच वैसे तो कहते हैं कि बदल गई है पर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सोच नहीं रह गई है, तो उनके लिए मैं एक सॉन्ग निकालना चाहती हूँ, उनको सपोर्ट करने के लिए एक सॉन्ग, ताकि उनके अंदर ऐसा जज्बा है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है, जो ये सोचती है कि नहीं घर से बाहर नहीं जाना, डर लगता है ये, तो उनको एक कुछ कर दिखाने का जज्बा मिले, सपोर्ट मिले मेरे सॉन्ग से, इसलिए मैं गर्ल्स के ऊपर सॉन्ग निकालना चाहती हूँ। और भविष्य का मेरा ये है कि मैं एक एल्बम 10 सॉन्ग का करना चाहती हूँ, जिसमें मैं 5 तो सॉन्ग में सपोर्ट के लिए ही, गर्ल्स के सपोर्ट के लिए ही करूँगी और 5 मैं वैसे करूँगी रिमेक्स टाइप के। थैंक यू।